हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, जिसने लाकर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ाइज़ा फ्रॉम फ़ाइज़ा ट्रैवल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं अपने होटल क्लॉक टावर से ग़ारे हिरा की तरफ, और मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ हैं मेरे अम्मी अबू, बहन भाई और बच्चे, तो हम दो गाड़ियों में सवार हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहला टिप ये है कि अगर आप क्लॉक टावर में ठहरे हुए हैं या किसी भी होटल में ठहरे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि होटल की निस्बत बाहर जाके टैक्सी स्टैंड से अपनी टैक्सी लें, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ कि हमने दोनों दफ़ा ही क्लॉक टावर से टैक्सी रेंट की, और रेंट तो कर ली हमने, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर था उसको लिटरली कोई भी आइडिया नहीं था किसी ज़्यारत का या लोकल मुकाम का, क्योंकि मोस्टली जो वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो होटल से ज़्यादातर एयरपोर्ट जाते हैं, होटल से मदीना जाते हैं या रियाज जाते हैं या जद्दा जाते हैं, तो उनको मोस्टली जो है उनको लोकल ज़्यारत और मुकाम का नहीं पता होता। तो हमारे साथ यही हुआ, हमने एक दफ़ा तो कैंसिल करवाई, एक दफ़ा हम गए और पता नहीं कौन से पहाड़ी मुकामात पर फिर के वापस आ गए और गुम गए। ये वो पहाड़ हैं जहाँ पे हमने दो तीन चक्कर लगाए, और या आई डोंट थिंक सो कि ये जबल नूर है या गारे सोर के पहाड़ हैं। तो प्लीज़ अगर किसी को भी पता है कि ये कौन से पहाड़ी सिलसिला है, तो इसका हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। ये जी, अब हम अगले दिन गए हैं लोकल टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेके, और ये आप देख सकते हैं कि कितना रश है यहाँ पे, और गाड़ियाँ बिल्कुल भी वहाँ पे कोई रोड्स ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम ये पिछले साल गए थे 2023 में, जबकि उस वक्त नया रास्ता नहीं बना था गारे हिरा का। अब जब हम 2024 में गए थे, तो उस वक्त तो गारे हिरा का जो है वो जाने का नया रास्ता बन चुका है। तो ये पुराना रास्ता है, और आप देख सकते हैं कि कितना कंजेस्टेड है, कितना तंग है, और गाड़ियाँ जो हैं वो बस सब आगे जाने के चक्कर में हैं, और हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और आप यकीन कीजिए कि टायर के बर्न होने की इतनी स्मेल आ रही है, क्योंकि गाड़ी पुश कर रही है ऊपर जाने के लिए। तो बाहर भी जो आप जो कारें देख रहे हैं वो भी ऊपर जाने के लिए पुश कर रही हैं, और उसकी वजह से जो है वो गर्मी और पुश करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल है टायर के बर्न होने की। तो हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में जा सकें, हम तो वॉक कर सकते थे, लेकिन अम्मी और अब्बू की वजह से कि वो जितना आगे जा सकते हैं चले जाएँ गाड़ी के अंदर, तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे साथ रहिएगा आखिर तक, हम आपको ऊपर तक सारी वीडियो बना के दिखाएंगे गारे हिरा की। और बड़ी मज़े के ये है कि गारे हिरा जाते हुए आपको पानी के, फूड के छोटे छोटे स्टॉल्स भी नज़र आते हैं स्टेप्स पे, और ज्वेलरी के छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जेम स्टोन्स के, और हम आपको छोटी छोटी अपनी शॉपिंग भी दिखाएंगे जो हमने गारे हिरा के ऊपर से की। अच्छा, मेरा जो दूसरा टिप है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने अगर किसी भी ज़्यारत की या किसी भी मुकाम को देखना है, तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह निकल जाएं, अगर स्पेशली आप गर्मियों में जा रहे हैं, और मोस्टली वहाँ पे मार्च और फेब्रुअरी से बल्कि गर्मी शुरू हो जाती है, काफ़ी गर्मी होती है। हम मार्च में गए हैं, और हम गए थे तकरीबन आफ्टरनून, और सर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि 100 के करीब, बल्कि 100 से भी ऊपर टेम्परेचर था। तो मेरा जो सेकंड टिप है और सेकंड मशवरा ये है कि अगर आप इन मुकामात को देखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि सुबह सुबह फजर के बाद निकल जाएं। फजर के बाद जाने का ये है कि अच्छा होता है, ठंडा ठंडा ज़रा होता है, और आपको अभी सूरज बहुत ज़्यादा उसमें तपिश नहीं होती, तो आप अच्छे टाइम पर ऊपर चले जाते हैं, और ज़्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं होता। और अनदर टिप, तीसरा टिप ये है कि अपने साथ पानी ज़रूर रखें, और पानी की बॉटल्स ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी सम टाइम्स ऊपर पानी के आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाते हैं जो लोग पानी सेल कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा पानी ऊपर नहीं होता,
तो पूरी कोशिश करें कि पानी अपने साथ ज़रूर रखें, और पानी हाथ में ना रखें, जो आपका बैकपैक है उसमें रखें, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ कि हमने पानी हाथ में पकड़ा और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन जैसा मेरी सिस्टर ने पानी अपने बैग में रखा हुआ था तो पानी वो इतना गर्म नहीं हुआ, क्योंकि हाथ की गर्मी की वजह से भी पानी बहुत गर्म हो जाता है। तो उस कोशिश करें कि पानी अपने बैकपैक में रखें, और बैकपैक एक छोटा साथ ज़रूर रखें, छोटा, बहुत ज़्यादा सामान ना हो, क्योंकि आपने ऊपर चढ़ना है और सांस चढ़ता है और आप थक जाते हो, तो छोटा सा बैकपैक पीछे रखें जिसमें पानी हो, और दूसरा ये कि स्नैक्स छोटे छोटे ज़रूर हों, स्नैक्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, कोई फ्रूट रख लें, और आई थिंक ये इनफ होगा, कोई फ्रूट होगा या कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती रहे। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आपको वहाँ पे बिल्लियाँ बहुत नज़र आती हैं, ग़ारे हिरा के स्टेप्स पे बहुत बिल्लियाँ हैं, अगर आप चाहें तो अपना कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बिल्लियों को डालने के लिए भी रख सकते हैं, कोई फूड या कोई ऐसी चीज़ जो आप उनको दे दें, तो वो बिल्लियाँ जो हैं लोकल जो ग़ारे हिरा के ऊपर फिर रही हैं उनको भी खाना मिल जाएगा या उनको पानी मिल जाएगा, पानी आप उनको दे सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि वहाँ पे जो ज़ियारात करने जा रहे हैं लोग, ऊपर ग़ारे हिरा पे चढ़ रहे हैं, उन्होंने फिट फ्लॉप्स पहने हुए थे, लाइक चप्पलियाँ पहनी हुई थी और बंद जूते नहीं थे, और उनको देख के डर लग रहा था कि पाँव फिसल सकता है या खुदा न खास्ता वो गिर सकते हैं। मेरा ख्याल है, मेरी ये टिप है कि आप बंद जूता पहन के ऊपर जाएं। बंद जूता जो है वो आपको एक तो आपके पाँव को वो कुशन देगा, और दूसरा ये कि पाँव उसमें महफूज रहेगा, आपका पाँव जो है वो फिसल नहीं सकता उसके ऊपर। मैंने खुद देखा वहाँ पे यंग जो लोग थे उन्होंने ओपन जूते पहने हुए थे, जिसको चप्पलियाँ कहते हैं, और वो लिटरली वो फिसल रहे थे उसके ऊपर से। तो दूसरा टिप, अनदर टिप कि आप अपना बंद जूता पहन के ऊपर जाएं। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बुज़ुर्ग ख़वातीन और बुज़ुर्ग हज़रात और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी, कितना उनमें जज्बा है कि वो भी ऊपर चढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों को तो अभी शायद कुछ इतना अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन जब वो बड़े होकर अपनी वीडियोस देखेंगे तो उनको ज़रूर खुशी होगी कि वो इन ज़ियारात को देखने गए। और बुज़ुर्गों की भी बड़ी हिम्मत थी माशाल्लाह कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की और ऊपर चढ़ के गए। और
चैलेंज की आप इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और उसको आगे शेयर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको 2024 की ज़ियारत जो मैंने की, जो नया रास्ता बना है, उसकी भी वीडियो जल्द ही पोस्ट करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।